हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई एम सो ग्लैड यू आर हियर तो आज हम सीखने वाले हैं ये दीज आर टू लीफ प्रिंटिंग पेंटिंग्स विद एक्रिलिक कलर सो लेट्स बिगिन आई हैव टेकन अ कैनवस बोर्ड उस पर मैंने अभी कलर स्प्रेड करना है सो फर्स्ट आई विल टेक ग्रीन कलर दिस इज़ नॉर्मल ग्रीन एक्रिलिक कलर सिंपली आप अपने कैनवस बोर्ड को चारों तरफ से सेलो से सील कर दो प्रोटेक्ट कर दो सिक्योर कर दो वॉट एवर यू से एंड देन यू जस्ट स्प्रेड द कलर विच यू वॉन्ट सो फर्स्ट आई विल बी स्प्रेडिंग रेड ऑन अनादर कैनवस एंड ग्रीन ऑन दिस कैनवस तो इसको आप इवनली अच्छे से स्प्रेड कर दो और लीव प्रिंटिंग के लिए आप तब तक जब तक ये सूखेगा आप जाकर के अच्छे से सुंदर सुंदर ब्यूटिफुल लीव लीव्स आप ला सकते हैं यू कैन collect your leaves while going for a walk or you can simply just go out and collect few leaves of same pattern <coughs> for one painting and for another painting few leaves for the uh, uh, that pattern so <coughs> why i am saying you can collect few because alag alag sizes mein hona chahiye ek bada aur ek chhota और थोड़ा extra लेके आना क्योंकि जब एक ख़राब हो जाएगा तो आपके पास फिर रहेगा नहीं दूसरा use करने के लिए तो बिकॉज दिस पेंटिंग इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम फर्स्ट जो स्टेप है वो जस्ट आपको कैनवस पे कलर स्प्रेड करना है उसी में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा तो मैंने क्या किया है मैंने दोनों पेंटिंग्स एक साथ स्टार्ट करी है और एक में रेड और एक में ग्रीन एक्रेलिक कलर स्प्रेड करके फिर उसे छोड़ दिया टिल द टाइम इट्स ड्राइंग आई विल जस्ट टेक माई लीव्स एंड सी हाउ टू प्रिंट इट ये देखो ये मैंने रेड वाला ऑलरेडी कर दिया ये फर्स्ट लेयर है दोनों में आपको लीव के लीव्स के ऊपर कोई भी कलर विच एवर कलर यू वॉन्ट दैट यू हैव टू स्प्रेड एंड प्रेस इट ऑन द कैनवास बोर्ड वो कैसे करना है वो मैं आपको भी बता रही हूँ पर पहले आप ये समझ लो फर्स्ट लेयर में आपको जस्ट प्रेस करके छोड़ना है ये देखो इस पर मैंने एक्रेलिक कलर लगाया है और मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ ताकि इसके सारे वेन्स जो हैं लीव्स के वो दिखे फर्स्ट लेयर जब हो जाएगी तब आप उसको एक लाइट बिल्कुल डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एक्रिलिक रेड कलर जैसे मैंने ये रेड लिया तो रेड का एक कोटिंग दोगे आप उसको उससे क्या होगा जो आपकी फर्स्ट लेयर है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी फिर मैं ये सेकेंड लेयर बना रही हूँ आप देख रहे हो नीचे से लीव्स दिख रहे हैं तो सेकेंड लेयर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट लगेगा तो मैंने थ्री लेयर्स करी हैं ये टू लेयर्स हो रही हैं अभी सेकेंड लेयर हो रही है तो नीचे से जो आपको साइड से लीव्स दिख रही है ना वो फर्स्ट लेयर में थी उसके ऊपर मैंने रेड कलर का डाइल्यूटेड कोटिंग करी है और उसके बाद उसको ड्राई होने दिया कंप्लीट ड्राई होने दिया फिर मैंने दोबारा से लीव्स लिए और उसकी ये सेकेंड कोटिंग करी अभी जो ये लीव्स मैंने प्रिंट किए हैं ये जब अच्छी तरह से ड्राई ड्राई हो जाएंगे तब इनके साइड से जो है मैं रेड कलर का आ, एक शेडो वर्क करूँगी शेडो मतलब उसके जस्ट आउटलाइन में करूंगी जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक ग्रीन में मैंने भी किया ये देखो ग्रीन का भी सेकेंड कोटिंग गई है नाउ दिस इज द थर्ड लेयर इफ यू कैन सी दो लीव्स नीचे हैं फिर ये थर्ड लेयर ऊपर वाली है जिसमें वेन्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं तो ये पूरा बनने के बाद ऐसे हो जाएगा उसके बाद आप चाहें जो कलर आप उसमें ऐड कर सकते हैं और अपने पेंटिंग को एक नया रूप दे सकते हैं ये थर्ड लेयर में डाल रही हूँ आई एम जस्ट शोइंग यू ये मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड एज इट वाज माय फर्स्ट ट्रायल आई रियली डेंट नो हाउ टू मेक इट एंड हाउ टू शो इट टू यू ऑल सो दिस इज़ द थर्ड लेयर तो अभी मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू ऑल और उसमें पूरा मैं डिटेल्ड वीडियो बना करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कैसे करना है आई माइट नॉट एक्सप्लेन बट आप जब देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो ये बन गई है मेरी कंप्लीट पेंटिंग ऑफ रेड एंड वाइट और ये बनी है मेरी ग्रीन और मैंने इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर की शेडिंग भी दी है आई होप यू हैव लाइक द वीडियो इफ़ येस और एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चन वेट फॉर माई अनदर वीडियो एंड टिल देन जस्ट सी हाउ आई हैव डेकोरेटेड एवरी थिंग इन दिस वीडियो And enjoy my work. Do subscribe for my channel if you haven't done it yet and give it a thumbs up. Till my next video, bye bye. Take care.